दोस्तों, आजकल आपने हर शख्स की जुबान पर ये बात तो जरूर सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज के दौर में हमें अपनी जरूरत की कोई भी चीज खरीदनी हो तो उसके लिए पैसा होना कितना जरूरी है, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। और पैसा ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए इंसान अपनी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि प्राचीन काल में जिस भारत के अंदर पहले सोने चांदी के सिक्कों से व्यापार हुआ करता था, उस भारत में पहली बार करेंसी नोटों की शुरुआत कैसे हुई थी, और पहली बार भारत में करेंसी नोट किसने और कब जारी किए थे? इसी के साथ साथ जब भारत में पहली बार करेंसी नोट आजाद किए गए थे तो इन करेंसी नोटों की प्रिंटिंग कहाँ हुआ करती थी, भारत में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत कैसे हुई थी, और भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरुआत में किस तरह के करेंसी नोट छापे थे। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने इन सवालों के जवाब विस्तार से, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हमारा भारत देश प्राचीन काल से व्यापारिक देश के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन जब प्राचीन काल में भारत के अंदर व्यापार होता था तो उस दौरान किसी भी तरह की मुद्राओं का चलन नहीं होता था, बल्कि सामान के बदले सामान लिया दिया जाता था। जैसे कि अगर किसी इंसान को कपड़े की जरूरत होती थी तो वह इसके बदले में अनाज देकर कपड़े को खरीदता था। फिर उसके बाद आज से लगभग 2600 साल पहले रुपयों की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि रुपया शब्द संस्कृत भाषा के रौप्य से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है सही आकार और मुहर लगा हुआ एक मुद्रित सिक्का। दोस्तों, इन सिक्कों का चलन हमारे भारतीय इतिहास में लगभग 17वीं शताब्दी तक रहा है, लेकिन जब ब्रिटिश कंपनियां व्यापार के लिए भारत आईं, तो उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए एक बैंक की स्थापना की और यहीं से सोने चांदी के सिक्के इस्तेमाल होने के बजाय करेंसी नोटों की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि भारत में पहली बार करेंसी नोट साल 1770 के दौरान कोलकाता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान में छापे गए थे, जिसके बाद भारत के ये करेंसी नोट लगभग 91 सालों तक चलते रहे थे। और फिर साल 1861 में ब्रिटिश सरकार ने करेंसी नोट को लेकर एक नया नियम पारित किया, जिसके तहत प्रिंट किए जाने वाले सभी करेंसी नोटों पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर बनी होती थी, और बाद में यही करेंसी नोट भारत सरकार की भी आधिकारिक मुद्रा बन गई थी। लेकिन दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा छापे गए इन करेंसी नोटों की खास बात थी कि ये करेंसी नोट भारत के कुछ हिस्सों जैसे कोलकाता, मद्रास, रंगून, मुंबई, कानपुर, लाहौर और कराची आदि में ही मान्य होते थे। इसके बाद भारत में जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बढ़ता गया, वैसे वैसे करेंसी नोटों में भी कई नए बदलाव आते गए और इन नोटों पर अलग अलग तरह की भाषाओं में नाम लिखे जाने लगे। इसके बाद साल 1923 में ब्रिटिश सरकार करेंसी नोटों पर से रानी विक्टोरिया की तस्वीर हटाकर किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर छापने लगी। आपको बता दें कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले सारे करेंसी नोट बैंक ऑफ इंग्लैंड से छप कराते थे, लेकिन जब साल 1935 में भारत के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तो साल 1938 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार के लिए करेंसी नोट जारी करने का अधिकार दे दिया था। दोस्तों, RBI द्वारा छापा गया सबसे पहला इंडियन करेंसी नोट 5 रुपए का नोट था, और इस दौरान RBI ने 10,000 तक के करेंसी नोट छापे थे, जो कि भारत आजाद होने के पहले तक माने हुआ करते थे। आपको बता दें कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले यहाँ पर पुर्तगालियों का भी अधिकार हुआ करता था। उस समय भारत से होने वाले व्यापार में पुर्तगालियों की भी एक अहम भूमिका थी। बता दें कि साल 1883 में पहली बार इंडो पुर्तगीज करेंसी नोट चलन में आया था, और इन करेंसी नोटों पर पुर्तगाल के राजा किंग जॉर्ज द्वितीय की तस्वीर हुआ करती थी। साल 1906 में पुर्तगालियों के कब्जे वाले भारतीय इलाकों में करेंसी नोट जारी करने की जिम्मेदारी बैंको नेशनल अल्ट्रा मारिनो को मिली थी। खैर दोस्तों, आपने आजादी से पहले छापे जाने वाले करेंसी नोटों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं भारत में आजादी के बाद करेंसी नोटों में क्या क्या बदलाव किए गए। आपको बता दें कि भारत आजाद होने के बाद सबसे पहले 1 रुपए का करेंसी नोट छापा गया था, और इस करेंसी नोट को साल 1949 में जारी किया गया था। भारत आजाद होने से पहले जिन भारतीय करेंसी नोटों पर किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर हुआ करती थी, आजादी के बाद उन करेंसी नोटों पर किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर हटाकर सारनाथ के अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी गई, और इसके बाद से अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी घोषित किया गया था। इसके बाद जब साल 1953 में भारत सरकार द्वारा 1 रुपए का नोट छापा गया तो उसमें हिंदी भाषा में भी सब कुछ लिखा गया था, और इस तरह स्वतंत्र भारत का सबसे पहला करेंसी नोट 1 रुपए का नोट बना था। और इसके बाद साल 1959 में एक बार फिर 10 और 100 रुपए के नए नोट जारी किए गए, जो कि केवल भारत के हज यात्रियों के लिए बने हुए थे, ताकि हज यात्री इन करेंसी नोटों को सऊदी अरब की स्थानीय मुद्रा से एक्सचेंज कर सकें और हज यात्रियों को हज यात्रा करने में कोई भी परेशानी का सामना न करना।
करना पड़े। साल 1960 के दौरान भारत में फिर रंगों वाले नए करेंसी नोट जारी किए गए और ये नोट इसलिए बनाए गए थे कि जो लोग भारत में अनपढ़ हैं वो इन करेंसी नोटों के रंग के जरिए उन्हें पहचान सके। इसके बाद साल 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 और 10 रुपए के नए नोट जारी किए जिन पर महात्मा गांधी के चेहरे की तस्वीर बनी हुई थी। आपको बता दें कि ये नोट महात्मा गांधी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किए गए थे और ये करेंसी नोट लगभग 40 सालों तक इसी तरह चलते रहे थे। इसके बाद साल 1980 के दौरान ऐसे करेंसी नोट भी जारी करने शुरू किए गए थे जिन पर भारतीय कला और भारतीय संस्कृति आदि की तस्वीरें नजर आती थी। साल 1981 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 रुपए का एक ऐसा करेंसी नोट जारी किया था जिसमें नोट के आगे की तरफ 4 शेरों की तस्वीर और पीछे की तरफ भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की कलाकृति बनी हुई थी। इसके बाद साल 1983 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 रुपए का एक नया नोट जारी किया जिसमें पीछे की तरफ बौद्ध चक्र बना हुआ था। साल 1996 में भारतीय रिजर्व बैंक ने आखिरी बार महात्मा गांधी जी की श्रृंखला वाले करेंसी नोट जारी किए जिनमें हमें महात्मा गांधी की हस्ती हुई तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारतीय करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की जो तस्वीर छपी रहती है वो असली है या नहीं, और ये तस्वीर कहां से आई? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भारतीय करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की जो तस्वीर बनी हुई है वो महात्मा गांधी की कार्टून तस्वीर है, लेकिन ये सच नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि साल 1947 के दौरान एक अज्ञात फोटोग्राफर ने महात्मा गांधी की एक तस्वीर खींची थी और बाद में इस तस्वीर को क्रॉप करके भारतीय करेंसी नोटों पर प्रिंट किया गया था। आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी की ये तस्वीर वायसराय हाउस में ली गई थी जिसे आज हम सभी लोग राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के अंदर नए नए नोट जारी करने शुरू किए थे तो इस दौरान बाजार में नकली नोट आना भी शुरू हो गए थे जिस वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने करेंसी नोटों में कई बदलाव करके उसमें नए नए तरह के सिक्योरिटी फीचर्स भी डाले और आज के समय पर तो भारतीय करेंसी नोटों में ऐसे फीचर्स डाले गए हैं जिससे एक दृष्टिहीन आदमी भी असली और नकली नोटों के बीच फर्क पहचान सकता है। दोस्तों, ये न्यू फीचर्स वाले नोट जून साल 1996 में आना शुरू हुए थे और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह का सबसे पहला करेंसी नोट 100 रुपए का जारी किया था जिसमें आगे की तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी और पीछे की तरफ हिमालय पर्वत की पहाड़ियों की तस्वीर बनी हुई थी। इसके बाद मार्च साल 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपए के नए नोट जारी किए थे जिसमें आगे की तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी और पीछे की तरफ भारत के संसद भवन की तस्वीर बनी हुई थी। इसके बाद अक्टूबर साल 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े अमाउंट के नोट जारी करने शुरू किए जिसमें पहला नोट 500 रुपए का जारी किया गया और इस करेंसी नोट में आगे की तरफ महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी हुई थी और पीछे की तरफ नमक आंदोलन के दौरान दांडी यात्रा की तस्वीर को दिखाया गया था। इसके बाद नवंबर साल 2000 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1000 रुपए की करेंसी नोट जारी किया था जिसमें आगे की तरफ महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी हुई थी और पीछे की तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को दर्शाती हुई तस्वीर बनी हुई थी। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2001 में 20 रुपए के नए करेंसी नोट और नवंबर 2001 में 5 रुपए का करेंसी नोट जारी किया जिनमें 20 रुपए के नोट के आगे की तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर और पीछे की तरफ पोर्ट ब्लेयर की लाइट हाउस की तस्वीर बनी हुई थी। इसी के साथ 5 रुपए के नोट पर आगे की तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर और पीछे की तरफ कृषि के रूप में प्रगति की तस्वीर बनी हुई थी। इसके बाद दोस्तों 8 नवंबर साल 2016 में नोटबंदी हुई थी तो इस दौरान 1000 और 500 के सारे नोट रद्द कर दिए गए थे और इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे। लेकिन साल 2023 के मध्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की थी कि 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट मान्य नहीं होंगे और जिस तरह से सरकार चल रही है लोगों को इस तरह के फैसलों के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि आम लोगों को कितना भी नुकसान हो सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो वो ऐसे फैसले लेती है जिससे आम आदमी परेशान हो जाता है और उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। उदाहरण के लिए आप साल 2016 की नोटबंदी को ही ले लीजिए। तो दोस्तों, ये था भारत के करेंसी नोटों के शुरुआत से लेकर अभी तक का पूरा इतिहास। वैसे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने के पहले क्या आपको इंडियन करेंसी नोटों के बारे में ये सारी जानकारी थी या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।